नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजस्थान समाचार बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ में चैती मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भैरोड लोकअप ब्रेक कांड के तहत हार्डकोर अपराधी विक्रम उर्फ बफला पर 1,00,000 रुपए का इनाम किया गया घोषित। सायला में धूमधाम से किया गया गणपति प्रतिमा का विसर्जन, बरघोड़े में युवाओं संग नाचे लोग। राजधानी जयपुर के टर्मिनल 2 पर पहुंची हाजियों की आखिरी फ्लाइट, राजस्थान से गए थे कुल 6,752 हाजी। और अब खबरें विस्तार से। अलवर जिले के भैरोड पुलिस थाने से AK-47 समेत अन्य घातक हथियारों से हमला करके बदमाशों के द्वारा छुड़वाए गए हरियाणा के हार्डकोर अपराधी विक्रम उर्फ पपला का वारदात के 7 दिन के बाद में भी पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है। उसके बाद में पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह यादव ने कुख्यात बदमाश पपला पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इस मामले में अब तक 10 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल पालीवाल ने बताया कि SOG ने स्थानीय पुलिस व अन्य राज्यों की पुलिस से समन्वयन के गैंग के मुख्य अभियुक्त 50,000 रुपए के इनामी अपराधी दिनेश कुमार गुर्जर समेत उसके 4 साथियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। उसके 4 अन्य साथियों में नरेंद्र सिंह, श्याम सुंदर उर्फ अशोक गुर्जर, जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू गुर्जर और विक्रम सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से दिनेश कुमार और विक्रम सिंह के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज है। खबर है जालौर के सायला से, जहां कस्बे के रिद्धि सिद्धि श्री गणपति मंदिर में गणेश महोत्सव के तहत स्थापित गणेश प्रतिमा का अनंत चतुर्दशी पर धूमधाम से वरघोड़े के साथ में विसर्जन किया गया। विसर्जन से पूर्व पुराना बस स्टैंड गणपति मंदिर से DJ व ढोल धमाकों के साथ में वरघोड़े को रवाना किया गया। वरघोड़े में सुसज्जित ट्रैक्टर में गणपति की प्रतिमा विराजमान हुई, जिसके आगे श्रद्धालु भक्ति गीत पर गुलाल उड़ाते हुए जय घोष के साथ में झूमते हुए चल रहे थे। इस दौरान सरपंच सुरेश राजपुरोहित गणपति के गीतों पर युवाओं के साथ में जमकर नाचे और गणपति के जय घोष के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत की। वरघोड़ा पुराना बस स्टैंड से रवाना होकर पोस्ट ऑफिस रोड कात्यायनी मंदिर से होते हुए वीराना तालाब पहुंचा, जहां तालाब किनारे विसर्जन से पूर्व सरपंच और भक्तों ने आरती करके खुशहाली की कामना की और उसके बाद में गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया। खबर है राजधानी जयपुर से, जहां बिल्लोरिटोरियम में ग्रेजुएट फैशन फिएस्टा की ओर से जयपुर शहर से लगभग 10 फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट्स के तकरीबन 80 स्टूडेंट्स को अपने ड्रेसेस डिजाइन शोकेस करने का मौका दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जूरी मेंबर के रूप में कुछ खास स्टूडियो की फैशन डिजाइनर व ओनर सुकीर्ति गुप्ता, मेन जूरी मेंबर रही। इस शो की विजेता लीला यूनिवर्सिटी की चांदनी सोनी और साक्षी जैन विजेता रही। प्रवीण सिंह ने बताया कि ग्रेजुएट फैशन फिएस्टा का 3रा सेशन है, जिसमें जयपुर भर से 80 फैशन डिजाइनर स्टूडेंट्स अपनी ड्रेसेस शोकेस करने के लिए पहुंचे। हर स्टूडेंट्स को 2 ड्रेसेस डिजाइन करने के लिए बताया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में कई बड़े एक्सपोर्टर्स भी मौजूद रहे, जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन किए गए तथा उन्हें आगे भविष्य में बड़े से बड़े ब्रांड से कॉन्टैक्ट करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी स्टूडेंट्स को बड़े ही जल्द में ब्रांड से जुड़ने का मौका मिलेगा। ये स्टूडेंट्स के लिए है ग्रेजुएट फैशन फिएस्टा। इसमें हम लोग अपकमिंग डिज़ाइनर्स को, जो आज एजुकेशन लेकर के कल को अपने प्रोफेशनल फील्ड में आना जा रहे हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं यहाँ पे। ये और इसमें सभी जयपुर के करीब 15 कॉलेजेस, फैशन एकेडमीज़ के करीबन 80 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 80 डिज़ाइनर जो कल को प्रोफेशनल फील्ड में आएंगे और अपने फैशन डिज़ाइनिंग के अपने क्रिएशंस को समाज के सामने रखेंगे। ये किस तरीके के डिजाइन को लिया गया? इसमें स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ा गया, वो अपनी क्रिएशन, उनको फ्री हैंड छोड़ा गया, वो अपनी क्रिएशन जिस तरीके से भी दिखाना चाहें। उन्हें अपना टैलेंट 2 ड्रेस के जरिए दिखाना है, 2 ड्रेस उनको, हर स्टूडेंट को 2 ड्रेस बनानी थी, जिस 2 ड्रेस के जरिए उन्हें अपनी क्रिएटिविटी और अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करना है। और हमारे जजमेंट की 4 लोगों की टीम है, वो लोग इसको जज करेंगे और जो भी बेस्ट एंड सेकेंड बेस्ट होगा उनको विनर रनर का प्राइस देंगे और कुछ स्पेशल कैटेगरीज में हम पुरस्कृत करेंगे। सर, इसमें कुछ एक्सपोर्टर्स भी आए हैं? हाँ, इसमें एक्सपोर्टर्स भी आए हुए हैं, कुछ एक्सपोर्टर, कुछ गारमेंट मैन्युफैक्चरर। बिल्कुल पक्का। हाँ, इसका उद्देश्य यही है कि हम उन लोगों के सामने इन बच्चों का एक्सपोजर करें, जो लोग इन डिज़ाइनर्स को अपने यहाँ जॉब पर रखते हैं, तो ऐसे गारमेंट एक्सपोर्टर, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को हमने, जैसे सिटी वाइब्स अच्छा ब्रांड है, वो भी हमारे यहाँ
इस समय आया हुआ है, आहूजा ओवरसीज के डिजाइनर आए हुए हैं, ऐसे काफी लोग आए हुए हैं। खबर है श्रीगंगानगर के घड़साना से, जहां तहसील के निकटवर्ती ग्राम पंचायत 12 MLG में कृषि पर्यवेक्षक समीना ने अपने जन्मदिवस पर सामाजिक पहल करते हुए वृक्षारोपण करके अपना जन्मदिवस मनाया, जिसमें संपूर्ण ग्रामवासियों का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित किसानों ने पौधे वितरित करके अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का संदेश दिया। सभी ने कृषि पर्यवेक्षक समीना की पहल की सराहना की कि वृक्षारोपण का संकल्प लिया। इस अवसर पर कृषि पर्यवेक्षक समीना ने बताया कि उनके बड़े भाई सुनील क्रांति भी सामाजिक कार्यकर्ता है और युवा क्रांति संगठन के बैनर तले वृक्षारोपण और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने अपने हर जन्मदिन पर वृक्षारोपण किया और पौधा वितरित करने का निर्णय लिया। खबर है चूरू जिले के तारानगर से, जहां दूसरे सत्र में DCO चंद्रकांत शर्मा के राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में सदस्य निर्वाचित होने पर जितेंद्र तवर के मनोनीत होने पर तारानगर केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा फकरुद्दीन खोखर की अध्यक्षता में क्षेत्र के जोड़ीवाल धर्मशाला में उनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। इसी क्रम में नव पद स्थापित ADC सुभाष और DCO अमित शर्मा व लिपिक अशोक सैनी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में चूरू जिला केमिस्ट एसोसिएशन कार्यकारिणी सदस्यों की भी बैठक हुई, जिसमें आगामी 22 सितंबर को होने वाले चुनाव में सभी सदस्यों ने पंकज गुप्ता को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर मनोनीत करने की इच्छा जाहिर की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष महेश चाचान, कोषाध्यक्ष गुलशन चाचान, शार्दुल पालेक, रामधन चौधरी, वासुदेव शर्मा सहित कई केमिस्ट और फार्मासिस्ट भी उपस्थित रहे और मंच का संचालन अनिल शर्मा ने किया। खबर उदयपुर जिले के सेमारी से, जहां कस्बे में 10 दिवसीय गणपति महोत्सव के दौरान आज धूमधाम से गणपति जी की प्रतिमाओं का विसर्जन भीमसागर डैम में किया गया। नगर के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, गणपति चौक बस स्टैंड, पुरानी बावड़ी, दर्जी मोहल्ला सहित घर घर में विराजित प्रतिमाओं का बैंड बाजे के साथ में विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा में शामिल हुई तरह तरह की सुसज्जित झांकी और महादेव पार्वती बने किरदारों के साथ में युवाओं ने भी रंग बिरंगी ड्रेस कोड का विशेष आकर्षण का केंद्र है। युवाओं की टीम्स ने विभिन्न कलर की टी शर्ट्स तो कहीं केसरी रंग के पायजामा कुर्ते पहने और कार्यकर्ता और आयोजक शोभायात्रा में शोभायमान रहे। नगर में भव्य आतिशबाजी और रंग गुलाल उड़ाते हुए युवाओं में भारी उत्साह भी नजर आया। रंग बिरंगे वाहनों में सजी झांकियां नगर भ्रमण करते हुए भीमसागर तालाब पर पहुंची, जहां पर भव्य सामूहिक आरती करके भक्तों ने गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाते हुए उन्हें विसर्जित किया। खबर है राजधानी जयपुर से, जहां हाजियों की आखिरी फ्लाइट टर्मिनल 2 पर पहुंची। आपको बता दें कि राजस्थान से कुल 6752 यात्री हज के मुकद्दस सफर के लिए गए थे, जिनकी फ्लाइट कल शाम को 6:30 बजे जयपुर पहुंची। इस आखिरी फ्लाइट में सबसे ज्यादा उदयपुर के 55 हाजी सवार थे। वहीं दूसरे स्थान पर नागौर के 34 हाजी शामिल रहे। वहीं हाजियों को लेने के लिए उनके परिवार व रिश्तेदार बड़ी संख्या में राजधानी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे, इसलिए यहां पर पुलिस को काफी ज्यादा मशक्कत का सामना भी करना पड़ा। राजस्थान हज कमेटी के जिम्मेदार के मुताबिक कुल 19 फ्लाइट्स के जरिए राजस्थान से 6752 हाजी हज पर गए, जिसमें पुरुष हाजी 3374 और महिला हाजी 3408 यानी कि 34 महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। वहीं साल 8 बच्चे भी सफर पर गए और 4 हाजियों का इंतकाल हज के दौरान मक्का में हो गया। खबर भीलवाड़ा जिले से, जहां कोटा रोड स्थित न्यू लोक सेंट्रल स्कूल में 7 से 14 सितंबर तक हिंदी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में विद्यालय प्रबंधक मिनेश पारक, शिखा पारक और प्रधानाचार्य अनीता भगत के मुख्य आतिथ्य में अंतर सदनीय वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ प्रतियोगिता, दोहा श्लोक प्रस्तुतिकरण, हिंदी लेखन, कविता लेखन आदि कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वाद विवाद प्रतियोगिता के विजेता नेहरू और गांधी सदन रहे, जबकि व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण में प्रखर गुप्ता और अनीश जैन श्रेष्ठ घोषित किए गए। कविता पाठ प्रतियोगिता में प्रथम नमन बाफना, द्वितीय विधि अग्रवाल, तृतीय सानिया परवीन रहे। वहीं दोहा श्लोक में संकल्प सुहानी, अरवी तन्वी, गार्गी निष्ठा, जयेश प्रथम स्थान पर रहे। हिंदी सप्ताह का समापन 14 सितंबर को विजेताओं को पुरस्कार वितरण के साथ में किया जाएगा। खबरें जालौर के आहोर से, जहां उपखंड क्षेत्र के केसराणा में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में श्री रामचंद्र मिशन के तहत हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं ने अपने विचारों को प्रकट किया।
छात्राओं ने बदलने की क्षमता ही बुद्धिमत्ता का माप है, इसके ऊपर अपने शब्द लिखे। इसमें कुल 80 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें 8 फुलनेस के मोहन सिंह ने छात्राओं को निबंध प्रतियोगिता के बारे में, अधिक अंक और राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर पुरस्कार के बारे में बताया, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री जितेंद्र दवे सराना, विद्यालय के संस्था प्रधान अशोक प्रजापत, देवी सिंह सोलंकी, छैल सिंह बालोद, प्रवीण कुमार भूमारा, अशोक मीणा और विद्यालय स्टाफगण और अन्य छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। खबरें जैसलमेर के पोखरण से, जहां कस्बे में अनंत चतुर्दशी का पर्व गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ परंपरागत रूप से मनाया गया, जहां पर पुरुष और महिलाओं ने भगवान विष्णु के अवतार अनंत भगवान की पूजा अर्चना की और कथा की, दिन भर उपवास रखकर परिवार में सुख समृद्धि अमन चैन और शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लोगों के घरों पर सार्वजनिक स्थलों पर परंपरागत रूप से अनंत भगवान की कथा का वाचन किया गया और विधि विधान के साथ में अनंत भगवान की पूजा अर्चना भी की गई। श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण करके 14 गांठे लगाकर सूत के नए धागे को पुरुषों ने अपनी दाई भुजा और महिलाओं ने अपनी बाई भुजा पर धारण करके पुराने धागे का विधिवत परित्याग करके सुख समृद्धि की प्रार्थना की और दिन भर उपवास करके कथा के बाद में आरती करके दान पुण्य भी किया। खबरें सियाना कस्बे से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इन दिनों चिकित्सक वहां पर उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को भारी परेशानियां भी उठानी पड़ रही है। आपको बता दें कि प्रतिदिन 250 मरीजों का ओपीडी में रहने वाले इस अस्पताल में महज एक ही डॉक्टर कार्यरत है। ऐसे में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग परेशानियों में पड़ जाते हैं, उपचार के लिए इंतजार में उन्हें खड़े भी रहना पड़ता है। गुरुवार को भी एक ऐसा वाकया हुआ, यहां पर सियाना के कोलरी निवासी पारसवल मीना एकाएक ही कष्ट खाकर गिर पड़े। डॉक्टर अपने कक्ष में मरीजों को देख रहे थे, जो जांच छोड़कर बाहर आ गए। मरीज को बेहोश देखकर सभी के हाथ पांव फूल गए। अस्पताल में तो एक बार के लिए अफरा तफरी सी मच गई। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता और कंपाउंडर्स ने इमरजेंसी में इलाज शुरू किया। वहीं स्वास्थ्य में सुधार होने पर मरीज ने बताया कि बीमार होने की वजह से खड़ा नहीं रह सकते थे, इलाज के लिए लंबी कतार में रहने के कारण उन्हें गिरना पड़ा। उधर कस्बे में प्रदीप भट्ट और सवाराम खाची ने बताया कि गुरुवार को अस्पताल पहुंचे तो ओपीडी में भारी भीड़ देखी। ओपीडी में प्रिंटर भी शुरू नहीं होने से पर्ची कटवाने में भी काफी दिक्कतें आई। डॉक्टर के पास जांच करवाने की कतार में परेशान मरीज और बच्चों को देखकर अधिकारियों को सूचना दी गई। आपको बता दें कि क्षेत्र का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने से मौसमी बीमारियों के साथ में अन्य बीमारी के इलाज को लेकर आसपास के चांदना, भेटाला, मेड़ा उपरला, मेड़ा निचला, बालरावास, नबी, माइलावास, सिवना, कांदर, देवाड़ा सहित दर्जनों गांव के मरीज यहां इलाज के लिए आते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की कमी और पर्याप्त सुविधा नहीं होने से उन्हें अन्यत्र जाना पड़ता है। इसी के साथ इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे एटीपी की न्यूज। नमस्कार।